अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जम्मा फ्रॉम आज़म। मेरा नाम है शेख आज़म और आज हम पढ़ेंगे केसेस डार्टिव और अकोजेटिव का दूसरा पार्ट थाइल स्वाय। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा नोमिनेटिव, अकोजेटिव, डार्टिव और इसके साथ हमने पढ़ा ये टेबल। पहले लेक्चर में हमने डार्टिव का इस्तेमाल पढ़ा एग्जांपल्स के साथ, जैसे कि वी केत एस दिया, एक वर्ब के साथ हेल्फन वर्ब के साथ कि क्या तुम मेरी मदद करते हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वो उसकी मदद करते हैं। हम इसके लिए एक और वर्ब ले सकते हैं डांकन। मैंने आपको बताया कि डार्टिव ह्यूमंस के लिए होते हैं, ये हमें ह्यूमंस शो करते हैं। जर्मन लैंग्वेज में एक्चुअली जस्ट 40 to 45 वर्ब्स हैं जो कि डार्टिव को शो करते हैं। ये वर्ब पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे डार्टिव आएगा कि अकोजेटिव आएगा। डार्टिव का इस्तेमाल तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे अकोजेटिव के बारे में। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये टेबल आपने याद करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अकोजेटिव। ये देखें, ये टेबल फिर आ गया। अकोजेटिव के लिए है कि अकोजेटिव इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने देखा कि डार्टिव जो है ना वो ह्यूमन होते हैं, लेकिन अकोजेटिव जो है वो ऑब्जेक्ट होते हैं। इस पे हम बाद में बात करेंगे, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। अकोजेटिव जो है वो ह्यूमंस भी होते हैं और वो थिंग्स भी होते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये देखें, टेबल फिर आ गया। टेबल को आपने याद करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब हमने सेंटेंसेस बनाने तब ये टेबल मैंने आपको नहीं दिखाना, हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, मैंने उस वक्त टेबल आपको नहीं दिखाना। अब देखें, हम बनाएंगे अकोजेटिव के साथ सेंटेंसेस। पहले लेंगे हम एक वर्ब, एक वर्ब है फेमिसन, मिस करना, टू मिस। हम मिस एक ह्यूमन को भी करते हैं, किसी स्पेशल चीज़ को भी करते हैं, यानी अपनी गाड़ी को भी मिस कर सकते हैं या किसी स्पेशल चेयर को। हम अब ह्यूमन को देखते हैं, आई मिस यू, इसके साथ फेमिसन की कंजुगेशन हो जाएगी। अगर हम सिर्फ दू लगा दें तो ये बन जाएगा मैं तुम मिस करता हूँ, तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो हमें इसके साथ दू का अकोजेटिव लगाना पड़ेगा। और दू का अकोजेटिव क्या है? दिश। मैंने आपको बताया हुआ है कि दिश का मीन आप तुम को ले सकते हैं, तो ये क्या होगा? इश फेमिस से दिश, आई मिस यू, मैं तुमको मिस करता हूं। नेक्स्ट देखे, वी ए फेमिसन इन। इन क्या चीज है? अब ये देखे, इन जो है वो एआ का अकोजेटिव है, हम उसको मिस करते हैं। फेमिसन की कंजुगेशन लगी विया के साथ, कंप्लीट वर्ब आ गया, उसके साथ लग गया इन जो कि एआ का अकोजेटिव है। नेक्स्ट देखें, फेमिस टू उन्स, दू की कंजुगेशन हो गई फेमिसन के साथ, तो ये बन गया फेमिस। और फेमिस को मैंने सेंटेंस के शुरू में लगा दिया तो ये बन गया या नाइन फ्रागे। और ये उन्स क्या है? ये विया का अकोजेटिव है, यानी हमको। फेमिस टू उन्स, क्या तुम हमें या क्या तुम हमको मिस करते हो, या नाइन। नेक्स्ट देखें, जी फेमिस तो ओइश। अब यहां ये जो जी है ना, ये कैपिटल एस के साथ है, ये जो है ये आप नहीं है, ये शी वाला है, क्योंकि यहां पे फेमिसन की जी के साथ कॉन्जुगेशन हुई है, तो ये फेमिस्ट बन गया। जी फेमिस्ट, वो मिस करती है ओश। ओश क्या चीज है? ये इया का अकोजेटिव है, वो तुम लोगों को मिस करती है।
नेक्स्ट देखें, अब यहां पे देखें जी, यानी कि आप, यहां पे जी जो है ये आप वाला है क्योंकि यहां पे वर्ब की कंप्लीट फॉर्म आई है जी फे मिसन, आप मिस करते, ये जो जी है। अब ये जो जी है ना, ये दे वाला भी हो सकता है, इसका भी अकुजेटिव जी है, और ये जो शी भी हो सकता है, इसका भी अकुजेटिव जी है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा जी यूज हुआ है। आप उन लोगों को मिस करते हैं या आप उस लड़की को मिस करते हैं, ये हो गया हमारा फेमिसन के साथ एग्जांपल्स। एक वर्ब हम और देखते हैं, इस वर्ब को तो सभी जानते होंगे, लीबन, टू लव, इश्क के साथ लीबन की हो जाएगी कंजुगेशन, तो ये हो जाएगा इश लीबे। और दू का अकुजेटिव क्या होता है? जी हाँ, सबको पता है कि आई लव यू को जर्मन में क्या कहते हैं, लेकिन आप पता होगा कि ये दिश क्या चीज है, या ये दिश जो है ये दू का अकुजेटिव है, इश लीबे दिश। एक और सेंटेंस देखते हैं, जी लीव्ड इन, अब ये जो जी है शी वाला है, इसकी लीबन के साथ होगी कंजुगेशन, जी लीव्ड, अब इन जो है ये ए का अकुजेटिव है, जी लीव्ड इन, वो उसके साथ लव करती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लीव्स दू मिश, लीव्स जो है ये दू के साथ कंजुगेट हो गया, और ये जो मिश है ये इश का अकुजेटिव है, लीव्स दू मिश, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। नेक्स्ट देखें, वीए लीबन दिश, वीए के साथ लीबन का कंप्लीट वर्ब आ गया, और दिश जो है ये दू का अकुजेटिव, हम तुमको प्यार करते हैं, इश लीबे जी, जी जो है ये देखे स्मॉल एस है तो ये शी आ गया, ये जी जो है इसका अकुजेटिव जी ही रहता है, इश लीबे जी, मैं उसको प्यार करता हूं। ये तो होगी हमारे एग्जांपल्स अकुजेटिव ह्यूमंस के साथ। अब हमने पढ़ना है अकुजेटिव थिंग्स के साथ, और थिंग्स के साथ पढ़ने के लिए आपको एक नई चीज पढ़नी पड़ेगी, और वो है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, दे आदि दस नॉमिनेटिव होते हैं। हमने पहले टेबल में पढ़ा कि पर्सनल प्रोनोमन जो है वो नॉमिनेटिव होते हैं, ऐसे ही दे आदि दस भी नॉमिनेटिव होते हैं। पर्सनल प्रोनोमन को फिर हमने कन्वर्ट किया अकुजेटिव में और डाटिव में, इसी तरह ये नॉमिनेटिव भी डाटिव और अकुजेटिव में कन्वर्ट होते हैं। इन आर्टिकल्स का अकुजेटिव क्या होता है ये देखें, दे का अकुजेटिव होता है देन, और दी का अकुजेटिव होता है दी, और दस का अकुजेटिव भी होता है दस। ये भी आपको याद करना पड़ेंगे इससे पहले कि हम अकुजेटिव का थिंग्स के साथ रिलेशन देखें। बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपको चाहिए। मैं आपको ये सेंटेंसेस बना के भी दिखाऊंगा, ये आप याद करें, अगले लेक्चर में मैं ये आपको नहीं दिखाऊंगा। अब ये देखें, दे का अकुजेटिव क्या है देन, दी का अकुजेटिव क्या है दी, कोई चेंजिंग नहीं, दस का अकुजेटिव क्या है दस, कोई चेंजिंग नहीं। नेक्स्ट देखें, दे का डाटिव क्या है देम, दी का डाटिव क्या है देया, और दस का डाटिव क्या है देम। ये टेबल भी आपको याद करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा दूसरा टेबल। ये क्या चीज है वैसे, ये है हमारे बेस्टिमटस आर्टिकल, बेस्टिमटस आर्टिकल के अकुजेटिव और डाटिव। अगर बेस्टिमटस आर्टिकल के डाटिव और अकुजेटिव हैं तो भाई उन बेस्टिमटस आर्टिकल के भी तो अकुजेटिव और डाटिव होंगे। अब उन बेस्टिमटस आर्टिकल क्या हैं, ये हैं, उम्मीद है कि आपने उन बेस्टिमटस और बेस्टिमटस आर्टिकल के लेक्चर्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो उनके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइन, आइनो, आइन, ये हो गए हमारे नॉमिनेटिव। जो पहला आइन है ना, ये आइन, ये देव को शो कर रहा है,
ये आईने जो है ये दी को शो कर रहा है और ये आईने जो है ये दस को शो कर रहा है। इसी तरह दया दी दस की तरह इनका भी अलहदा अलहदा अकुजेटिव और डाटिव है। कैसे होगा, आईन जो दया को शो कर रहा है इसका अकुजेटिव क्या होगा, आईनन, आईने का अकुजेटिव आई नहीं रहेगा, और आइन जो दस को शो कर रहा है इसका भी अकुजेटिव आई ही रहेगा। आइन का डाटिव क्या होगा, आइनम, आईने का डाटिव क्या होगा, आइनर, और आइन जो है दस वाला है इसका डाटिव क्या होगा, आइनम। ये हो गया हमारा थर्ड टेबल उन बिस्टिम्ड आर्टिकल का। ये तीन टेबल हमने, पहला टेबल पढ़ा पर्सन नाल प्रोनाउन का, दूसरा टेबल पढ़ा बिस्टिम्ड आर्टिकल का, और तीसरा टेबल पढ़ा उन बिस्टिम्ड आर्टिकल का। ये टेबल आपने लाजमी लाजमी याद करने हैं। पहला टेबल मैंने आपको ह्यूमस के बारे में बता दिया, दूसरा टेबल मैंने अकुजेटिव के बारे में, वो भी ह्यूमस के बारे में बता दिया। ये वाले टेबल जो है मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाऊंगा ऑब्जेक्ट्स के साथ। ये टेबल मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने दो तीन दफ़ा इनको पढ़ लेने, आसानी के साथ आपको याद हो जाएंगे, कोई भी मसला नहीं है। ये था हमारा अकुजेटिव और डाटिव का सेकंड पार्ट। आपको लेक्चर अच्छा लगे तो ये कोने में सब्सक्राइब का बटन, इसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हमारे थर्ड पार्ट में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।